हम परेशान हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे बिग बॉस की जर्नी आपकी कैसी रही? बिग बॉस की जर्नी मेरी अलग अलग इमोशंस के साथ रही है, बीट हैप्पी, बीट फ्रेंडशिप, बीट फीलिंग्स एंड सैड एट द एंड। या इट वाज अ मिक्स ऑफ इमोशंस। या क्या कुछ कैसा रिएक्शन था जब पता चला कि आप एविक्ट होने वाले हो? क्योंकि बाहर भी सभी ऑडियंस का बहुत बेसब्री से वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस फ्राइडे कौन निकलने वाला है। क्या कुछ रिएक्शन आपका था जब आपको पता चला? मेरा रिएक्शन बहुत शॉकिंग था, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या अचानक से, बिकॉज सलमान से स्टार्टेड प्लेइंग, तो ही टुक अ नेम ऑफ शालीन, देन उन्होंने टीना का नाम लिया, फिर उन्होंने बोला कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल अगर कुछ हुआ है उसकी वजह से आज एविक्शन नहीं होगी तो आपका सोचना सही भी हो सकता है। पता नहीं मुझे ये चीज़ उन्होंने टेलीकास्ट में दिखाई या नहीं दिखाई, बट देन ही टुक माई नेम कि गौतम चलो, एंड एवरी वन वॉज लाइक गॉट दैट फीलिंग कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर फन। इवन सौंदर्या ने भी बोला कि यू नो कि इट्स फॉर फन, सलमान सर प्लीज़ ये वो, तो ही सेड कि सी इफ आई कम बैक, एंड तब तक सबको लग रहा था फन है क्योंकि एवरी वन वॉज सिटिंग, कोई रिएक्शन नहीं था किसी का भी, बिकॉज वो था मस्ती करते हैं वो कई बार, एंड सडनली बिग बॉस की आवाज़ आई मुझे कि गौतम आपके पास कुछ मिनट हैं और आप सबसे विदा लीजिए और मेन दरवाजे से बाहर आइए। एंड फ्रॉम देयर इट्स उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वहाँ से लेके बार वैनिटी तक आई हैव नो आइडिया। आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज फ्रीज्ड, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, बट या इट वॉज अ बिग बिग मोमेंट फॉर मी। जानना ये भी चाहेंगे कि बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद पूरी स्टेडियम चेंज हो जाती है, सबसे ज़्यादा क्या मिस करते हो? वेल मॉर्निंग जैसी स्टार्ट होती है बिग बॉस के घर में, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद क्या मिस कर रहे हो बिग बॉस के घर की? हाँ, बिग बॉस की घर की चीज़ें आई थिंक चुगली जो सब करते थे, आई थिंक सी आई ऑलवेज हैड फन इनसाइड, वी यूज टू यू नो सेट ड्रिंक टी एंड यू नो हैव ब्रेकफास्ट एंड स्टफ। आई वॉज कैप्टन ट्वाइस, सो मैं सबको ड्यूटी एलोकेट्स करना और वो सब करना, तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हैड। और बाहर आके मैं यही मिस करता हूँ कि इट वॉज अ डिफरेंट फीलिंग, डिफरेंट इमोशन देयर वॉज इनसाइड, बट मुझे कहीं ना कहीं आई थिंक वो क्लोजर नहीं मिला, तो आई थिंक दैट्स द थिंग गॉट स्टक इनसाइड में कि वो क्लोजर नहीं मिला, वो मिलना ज़रूरी था इसलिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ऑल आई ऑल हैप्पी फन। गौतम क्या लगता है आपको निकलना चाहिए था कि और कोई कंटेस्टेंट्स भी निकल सकते थे? क्योंकि और भी लोगों की उम्मीद थी, कई लोगों के ट्वीट्स भी आए, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए कि गौतम नहीं निकलना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं निकलूँगा, एंड आई एम नॉट सेइंग विद अ प्राइड और एनीथिंग, बट आई न्यू माई सेल्फ और मुझे पता था कि वट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। अभी भी अंदर बहुत लोग हैं जो एक्चुअली बाहर जाना चाहते हैं या जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक टेबल चेयर की तरह है अंदर। आई डोंट वांट टू से इट, बट वो पिछले 7 हफ्ते से वही दिख रहा है। तो आई थिंक मैं डिजर्व नहीं करता था अभी बाहर आना। मुझे पता लगा कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा थे एंड आउट ऑफ 4 नॉमिनेशंस, बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग टीना टू गो आउट ऑफ द हाउस और सेकेंड ऑप्शन वॉज सौंदर्या, बट नो वन वॉज थिंकिंग कि मैं बाहर जाऊँगा और ऐसी चीज़ें होंगी, बट ठीक है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बाहर गया, ऑफ कोर्स दे गोना बी हैप्पी, दे गोना बी एंजॉय दैट थिंग। घर के बाहर आने के बाद क्या ऐसा लगा कि मेरी गलती कहीं ना कहीं ये थी और मुझे ये नहीं करना चाहिए? सी गलती गलती नहीं बोलूँगा मैं, आई थिंक इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ द गेम, इट वॉज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि बाहर जब आप होते हैं तो आपको बहुत चीज़ें दिखती हैं सोशल मीडिया पे, सुनाई देती हैं, बट जब आप अंदर होते हो आपकी दुनिया वो 14-15 लोग ही होते हैं, तो आप जो करते हो उस प्रस्पेक्टिव के हिसाब से सोचते हो। जैसे हम बचपन में जो भी करते थे अपने माँ बाप के हिसाब से करते थे कि उनको बुरा ना लगे या उनको हम हर्ट ना करें कहीं ना कहीं चीज़ों में, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अंदर मैंने जो भी डिसीजंस लिए, चाहे वो कैप्टनसी का था या वो टास्क में थे या कोई भी डिसीजन थे, आई थिंक मैंने एज एन इंडिविजुअल आई वॉज ट्राइंग टू प्ले फेयर। मैंने प्रियंका के ऊपर अब्दू को भी चुना नॉमिनेशंस में, बिकॉज मुझे लगी कि प्रियंका स्ट्रांग प्लेयर है, ऑफकोर्स रिगार्डलेस मुझे बोला गया कि मैंने लैंडमाइन के ऊपर पैन रख दिया कि अब्दू की तरफ से मुझे हेटरेड मिलेगी। आई वॉज लाइक आई डोंट केयर, साजिद खान की वर्डिंग थी, आई वॉज लाइक आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने वो किया।
एंड गलत सही नहीं होता, आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आप करते हैं. हाँ मैंने मुझे आके बाहर ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हर मोस्टली कंटेस्टेंट्स को अंदर गाइडेंस दी गई वीक बाय वीक और एवरीथिंग, लाइक 2 बार 3 बार 4 बार, बट मुझे 7 वीक से सिर्फ कॉर्नर किया गया. मुझे सिर्फ मुझ पे सिर्फ सवाल उठाए गए, मेरी हर चीज़ को फेक बोला गया. मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दी. मुझे किसी ने एक बार भी नहीं बोला कि गौतम कि मुझे नहीं पता मैं क्या दिख रहा हूँ. मुझे कोई आइडिया नहीं कि मेरी कितनी फुटेज दिख रही है नहीं दिख रही. फ्रॉम वीक वन आई गॉट नो आइडिया. तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि सलमान सर वॉज दी ओनली वे ऑफ कनेक्शन विद ऑडियंस विद अस, तो मुझे कहीं ना कहीं वो है, डिसहार्टन हूँ कि वो शायद मुझे कहीं ना कहीं एक एक लाइट अप कर सकते थे चीज़ों को लेके. तो मुझे चीज़ें थोड़ी सी और समझ आती. एंड बिकॉज आई वॉज स्टक विद लॉट ऑफ थिंग्स कि मैं कुछ करता था तो वो गलत होता था, मैं कुछ नहीं करता था तो भी वो गलत होता था. मैं किसी से बात करता था तो सौंदर्य को बुरा लगता था, मैं कुछ और करता था तो किसी और को बुरा लगता था. तो आई वॉज जस्ट इन बिटवीन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. आई नो आप अपने लिए खुद चीज़ें करते हो, बट ठीक है, आई थिंक हर बंदे को एक चांस होना चाहिए या एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए आई थिंक. तो वो मुझे नहीं मिला कहीं ना कहीं. सो या दैट्स व्हाई आई एम डिसहार्टेंड. या साथ ही बीच में एक बार ऐसा हो गया था कि जहाँ आपको खुद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं सभी का जो खाना है नॉल का, सभी घर वाले एक तरफ हो गए थे और आप एक तरफ हो गए थे, लेकिन सौंदर्या कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही थी. क्या लगा आपको कि इस गेम में सभी एक ग्रुप बना के रह रहे थे और ऐसा कुछ था? आई थिंक मेरा पहले से एक ही फंडा था कि मुझे ग्रुपिज्म नहीं चाहिए. आई थिंक साजिद खान ने बोला भी कि टीवी एक्टर्स का एक ग्रुप है, एक जगह पे बोला भी, एंड मैंने उन्हें सुनाया भी कि मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जाके ये बातें बोलेंगे कि व्हाट टीवी एक्टर्स ग्रुप, बिकॉज आई डोंट प्ले इन ग्रुप, आई डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप. मैं इंडिविजुअल आया था, मैं इंडिविजुअल खेलना था मुझे. सौंदर्या ने मेरे साथ रही, वो उन्होंने शी टुक अ स्टैंड एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी. और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बिकॉज ऑनेस्टली मैंने सौंदर्या को भी ये बात बोली कि जब मैंने वो डिसीजन लिया था आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू गोना स्टैंड नेक्स्ट टू मी. मैंने ये सौंदर्या को भी बोली थी बात, क्योंकि वो मेरा डिसीजन था यार, दैट वॉज माई चॉइस. अगर वो नहीं भी होती साथ में मेरे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, बट उन्होंने साथ दिया एंड मैं दिल से बहुत उनको थैंक यू बोला मैंने. एंड अगले दिन भी वो आके उन्होंने पूरा काम किया, सब किया. तो वो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उस चीज़ को एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करूँ. आई थिंक अगर उस चीज़ पे इतनी क्वेश्चनिंग नहीं होती थिंग्स वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट वे आई थिंक. बट लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, तो हर सेकंड डे वही चीज़ उठाई जाती थी, वही चीज़ें बोली जाती थी. और मुझे ग्रुपिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग वॉज, आपने देखा होगा कई टास्क में बिग बॉस वॉज ऑल्सो बायस्ड विद साजिद खान एंड ग्रुप. आई डोंट नो वाई क्यों ये सब चीज़ें हुई, बट मैंने जितना खेला, मैं वो इंसान हूँ कि मेरे सामने अगर 13 लोग भी होंगे तो मैं अकेला लड़ सकता हूँ. और जो कि मैंने कैप्टनसी के बाद भी किया, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी काम पेशेंट. लोगों ने कहा कि तुझे जवाब वापस देना चाहिए था, मुझे लगा था उस सिचुएशन में नहीं देना चाहिए. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं वो मेरी गलती है कि मैंने उनके राशन लिए हैं, तो एक आधा दिन के लिए आई नीड टू बी काम डाउन गौतम. एंड बिकॉज मैं कैप्टन भी था, मुझे सबसे काम भी करवाना था, तो वो कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी थी. क्योंकि एज आई सेड कि घर के अंदर एक अलग माहौल होता है और घर के बाहर एक अलग माहौल होता है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता. पर देन तो गौतम सलमान सर आपको फिर भी सपोर्ट कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि आपको बैकआउट नहीं लेना चाहिए, जो आपने डिसीजन भी आपके लिए सही लिया. तो क्या ऐसा लगता है अंदर जाने के बाद कि एक तरफ एक डर होता ही है कि कहीं ना कहीं घर वाले नहीं सुनेंगे, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, सोलो गेम खेलना इतना इजी नहीं होता? फ्रेंडशिप का तो मुझे कोई वो था ही नहीं यार. आई थिंक फ्रेंडशिप तो उस घर में बन ही नहीं सकती किसी की, वो जितने भी बनती है वो दूसरे टास्क बाद खत्म हो जाती है. मेरी जो खाली फ्रेंडशिप बनी थी वो निमृत से बनी थी इनिशियल आई थिंक 20-22 डेज. उन्होंने भी आके शिव को सपोर्ट करके उसको भी बिट्रे कर दिया उन्होंने. मेरी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे बोला कि मुझे इनका सपोर्ट चाहिए था, क्योंकि निमृत को कहीं ना कहीं लग रहा था कि गौतम की प्रेफरेंस सौंदर्या हो गई है. मेरे लिए अगर आप वो ट्रेन वाला टास्क भी देखेंगे कि जहाँ पे मैंने निमृत को नहीं चुना, टीना को नहीं चुना, सौंदर्या को नहीं चुना, मैंने अर्चना को चुना, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंडशिप सबके साथ ही है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मुझे कॉर्नर कर दोगे, कितना भी कॉर्नर कर दोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे दबाओ मत.
सो व्हाट हैपेंस बेसिकली वाज कि सौंदर्या बिकेम लिटिल ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि अब वो भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जिन लोगों ने हमारे लिए बातें की हैं या जिन लोगों ने हमें खराब पोर्ट्रे किया है, आप उनसे वो कनेक्शन या वो रिलेशन दोबारा मत करिए, उन्होंने उस सेंस में बोला। लेकिन मेरी एक इक्वेशन, एक बॉन्डिंग अलग थी, बीट निमृत, बीट टीना, बीट शालीन या बीट कोई भी हो, तो अगर मुझ पर वो थोड़ा सा और ट्रस्ट कर लेती तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं मैं वो सोलो भी खेल जाता। और मुझे डर नहीं है यार किसी का, नॉमिनेशन से क्या ही डर है, मतलब अगर आपको भरोसा ही नहीं अपने पे तो लाइक व्हाई यू इन द गेम। सो ये मेरा सोचना है। फ्रेंडशिप ठीक है, होती हैं और टूटती हैं, दो दिन में होती हैं, दो दिन में टूटती हैं, तो बिग बॉस के घर में कोई दोस्ती नहीं टिक सकती। शालिन के साथ आपका कैसा बॉन्ड था, आप कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि हमेशा से हम देखते थे कि शालिन कहीं ना कहीं आपको पोक करते रहते थे, कुछ ना कुछ एक वर्ड या फिर कुछ कोई भी सेंटेंस यूज करते थे। शालिन के साथ वी स्टार्टेड ऑफ विद अ वेरी गुड बॉन्ड, मेरा शालिन का बहुत अच्छा बॉन्ड था, वी शेयर्ड अ बेड ऑल्सो, बहुत अच्छा था। बट वो कहीं ना कहीं वो सौंदर्या के साथ क्लोज होने की कोशिश की उन्होंने, उन्होंने मुझे टीना का नाम भी बोला टू बी इन अ रिलेशनशिप विद टीना, जो मैंने उनको मना किया कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ही ये स्ट्रेस नहीं चाहिए मुझे ज़बरदस्ती का। और टीना के साथ मेरी एक अलग बॉन्डिंग थी, वी वो वेरी गुड फ्रेंड्स। बट शालिन ने कहीं ना कहीं सौंदर्या के थ्रू मुझे हर्ट करना चाहा चीज़ों में, आई गेव यू बेनिफिट ऑफ डाउट, बट दो दिन बाद उन्होंने वही सीन दोबारा किया। मेरा मानना है कि यार अगर आप दोस्त हो और सामने आप दूसरे फ्रेंड की आप उसे नीचा दिखाना चाहते हो या चीज़ें करना चाहते हो तो देर इज़ नो फ्रेंडशिप, इट्स नॉट दोस्ती, इट्स नॉट अ बॉन्ड। आप जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश करो, आपके एक्शंस बता देते हैं कि आप कितने पानी में हो। तो मुझे कहीं ना कहीं शालिन की तरफ से वो जस्टिफाइबल चीज़ें नहीं लगी थी। ये जानना चाहूंगी टीना और शालिन का जिस तरीके से रिलेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं सिंबल को भी बहुत बार बिग बॉस से आज वाले सलमान सर से भी बहुत सारी बातें हुई बताई गई, लेकिन फिर भी क्या लगता है सिंबल अपना गेम खेल रही है या फिर? मुझे ऐसा लगता है कि सिंबल बच्ची नहीं है, जितना बोला जाता है वो बच्ची नहीं है। ऑफकोर्स उनका एक एक टीनेज क्रश होता है, मे बी हुआ होगा वो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आई थिंक आप एक वो कहीं ना कहीं बिकॉज आई हैव सीन हर बिफोर ऑल्सो, तो मैं जानता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, बट वो अपनी गेम नहीं बाहर लेके आ रही थी, या वो बहुत चुप थी, या वो एक शेडो की तरह सिर्फ शालिन के पीछे घूम रही थी। मैंने उनको फर्स्ट वीक से ये बात समझाई थी, उनके फादर ने भी उन्हें समझाई, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं समझ रही, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर लोग कह रहे हैं कि शालिन की गलती है तो गलती सुम्बुल की भी उतनी है, क्योंकि शी इज़ 19 एंड शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस थिंग्स। वो 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और उन्होंने भी बहुत दुनिया देखी है, बहुत लोग देखे हैं, तो आई थिंक मे बी शायद ये उनकी गेम होगी, जो कि अब लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वो शहनाज गिल की तरह गेम खेल रही हैं और लोग बहुत चीज़ें बोल रहे हैं। बट आई थिंक अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो वो बहुत डम है, और अगर वो ऐसा कर रही हैं तो वो बहुत स्मार्ट है, क्योंकि ये बिग बॉस का घर है। आप जो भी करेंगी, जैसा भी करेंगी, वो पोर्ट्रे आई थिंक बाहर आके उनको चीज़ें और रियलाइज़ होंगी। बट उनके फादर को जो बार बार बुलाया जा रहा है बीच में और जो चीज़ें बोली जा रही हैं, मैंने भी वो फ़ोन कॉल सुना, मुझे भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप अपनी बेटी को समझाने के लिए आप किसी और के बेटे और बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो ऑन अ नेशनल TV, विच वॉज़ करेक्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। एक समझाना और दूसरे को नीचे गिराने में बहुत फ़र्क होता है। आई थिंक जो उनके फादर ने कल किया, मुझे वो नहीं अच्छा लगा कहीं ना कहीं। रिगार्डलेस जैसे मर्जी हो टीना शालिन, यार एट द एंड ऑफ द डे आपकी बेटी बच्ची नहीं है, और वो भी चीज़ें समझती है, इंडस्ट्री समझती है, उसको भी पता है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है और बाकी सब की गलती है। तो आई थिंक दैट वॉज अ रॉन्ग टेक फ्रॉम हर फादर साइड। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि क्या बार दिखाया गया है। एक चीज़ जो मुझे सुनने में आई है कि मैंने बोला था इंटरव्यूज़ में कि जब स्टैन और इसका झगड़ा हुआ शालिन का, तो जब शिव ने उसका मुंह पकड़ा था, उसके बाद शालिन को दरवाजे के पास लेके गए थे, तो शिव उसकी तरफ बार चेयर लेके आया था, जो बड़ी वाली चेयर थी वो उसकी तरफ चार्ज करने के लिए गया था वो,
डराने के लिए लेके गया था वो, तो वो चीज़ नहीं दिखाई गई और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो नहीं दिखाई गई, क्योंकि मेरे सामने वो इंसिडेंट हुआ था और मुझे पता है वो लेके गया था। और मैंने शिव से पूछा भी था कि शिव मुझे पता है कि तू इतना सेंसिबल है कि तू नहीं मारेगा जाके शालिन को, बट तू चेयर क्यों लेके गया, तू तू गाली दे रहा था उसको, यू आर सेइंग बैड स्टफ और तू चेयर लेके उसको डरा रहा था। तो उसने मुझे बोला कि मैं सिर्फ डरा रहा था यार, तो ये चीज़ नहीं आई थिंक दिखाई गई। तो इसके ऊपर बहुत थोड़ा सा आई थिंक कुछ हल्ला मचा वो वीडियो को लेके, बट वो चीज़ हुई थी अंदर। और वो प्रॉपर वो गया था किचन से लेके वहाँ तक, उसके ऊपर चेयर ऐसा लेके गया था वो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बहुत चीज़ें मेरे और सौंदर्य के बीच में बातें हुई हैं जो नहीं दिखाई गई, आई थिंक मेरे को जितना सुनने में आया। बाकी और क्या था, और आई डोंट नो और क्या नहीं दिखाया गया, बट आई एम श्योर देयर मस्ट बी लॉट ऑफ थिंग्स जो नहीं दिखाई गई। वो मैंने अभी एपिसोड्स देखे नहीं तो मुझे पता नहीं कि क्या दिखाया गया क्या नहीं दिखाया गया। सो मुझे जितना सुनने में आया, सो दीज वर द थिंग्स। या आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने स्टार्ट में कहा कि कहीं ना कहीं शालिन को भी कंफर्ट मिले थे, टीना को भी कंफर्ट मिले थे, लेकिन आप एलिमिनेट हुए हैं, घर के बाहर आ पा रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से आपने कहा शिव के बारे में, चेयर का जो मूवमेंट हुआ है वो नहीं दिखाया गया, लेकिन अर्चना ने भी कुछ गलतियाँ की थी, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं दिखाई गई थी और बाहर बहुत कुछ हुआ था। क्या लगता है बिग बॉस क्या किस तरीके से गेम खेल रहे हैं आपके हिसाब से, जिस तरीके से सभी चीज़ें हो रही है, आपको लग रहा है कि नहीं वोट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे? यार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है, आई डोंट नो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने जितने वोटिंग के वो देखे हैं, जितनी चीज़ें देखी हैं, आई गॉट मोर वोट्स देन शालिन टीना, कई जगह तो सौंदर्य से ऊपर भी थे, बट शालिन टीना बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि टीना जाएंगी, बट वो मुझे निकाला गया। अर्चना के केस में बेसिकली जो हमने हमारा उस समय भी पॉइंट था वो ये था कि अर्चना का जो मुद्दा था वो घर के अंदर का मुद्दा नहीं था, वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जो बाहर का एक चीज़ निकाली गई। शिव को पता होते कि ये करेक्ट नहीं है, शाम को वो बात हुई उसके बावजूद भी उन्होंने वो बात निकाली। सलमान सर ने भी बोला कि इट वॉज़ अ स्ट्रैटेजी जो वो प्लान किया गया, और अर्चना ने जब आपको पकड़ा, अगर आपको कोई भी पकड़ता है यार आपको गले से, तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि आप उसका हाथ हटाते हैं, जो कि उन्होंने वो वहीं खड़े रहे ताकि वो कैमरे पर रजिस्टर हो कि उन्होंने उसका गला पकड़ा है, उसके बावजूद भी वो फिर आगे आया उसको कि आ मुझे मार। तो इट्स क्लियरली शोज इट्स अ स्ट्रैटेजी राइट, और कि अर्चना ऑफ कोर्स शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, तो वो चाहता था कहीं ना कहीं कि वो बाहर जाए। हमारा सिर्फ ये था कि अगर अर्चना बाहर गई है तो जिन्होंने उन्हें प्रवोक किया है, वो भी उस मुद्दे के लिए जिसके लिए उसने शाम को मना किया है और उसने बार बार मना किया है कि वो नाम मत लो, वो चीज़ें मत करो, तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? वो इंसान एक नॉर्मल जस्टिस क्या है? अगर आप एक लड़की को बाहर भेज रहे हैं तो उस इंसान के साथ क्या हो रहा है? और अब यही चीज़ जब स्टैन और उसके लिए हुई, अगर स्टैन को चार वीक की नॉमिनेशंस मिली है, ठीक है, क्योंकि उनकी गलती है कि उन्होंने चार्ज किया शालिन के ऊपर, शालिन की कोई गलती नहीं है क्योंकि स्टैन आए, स्टैन ने पहले गाली दी, स्टैन ने चार्ज किया, उन्होंने अपने बचाव में उसको पकड़ के लॉक किया, लेकिन शिव भी तो चेयर लेके गया था, शिव ने भी तो उनको डराने की कोशिश की, शिव ने भी गालियाँ दी, शिव ने भी सब किया, लेकिन शिव के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और उनको अभी राजा भी बना दिया गया, तो उसके ऊपर क्यों नहीं चीज़ें हो रही? तो यही सबका मानना है कि मतलब वाई, मतलब इट्स वन साइडेड गेम, इट्स साजिद खान एंड ग्रुप गोइंग ऑन, एक साइडेड गेम चल रही है, आप उन्हीं को संचालक बना रहे हो, आप उन्हीं को पावर्स दे रहे हो, आप उन्हीं को सब कुछ कर रहे हो, उन्हीं तीन लोगों में से ये कहाँ कहा गया था कि साजिद खान को जब हम उनकी कैप्टनसी छीन सकते थे, और इन्होंने मुझे बाद में सुनने में आया कि सुम्बुल ने और टीना ने जाके उनको कहीं ना कहीं इशारे दिए कि किसके ऊपर टारगेट हो रहा है, किसके ऊपर चीज़ हो रही है, जो हमें नहीं बता दी चीज़ें, लेकिन उस समय ये बात कहीं नहीं बोली गई थी कि अगले कैप्टनसी के टास्क में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये क्यों लास्ट मिनट चीज़ हुई? ऑफकोर्स आप साजिद खान के ग्रुप में से वो तीन लोगों को करोगे तो वो उनके ग्रुप को ही चांस मिलेगा, उन्हीं को ही वो बचाएगा। निमृत बार बार बचे जा रही है, वो इसलिए बचे जा रही है क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। टीना भी बच गई इस बार क्योंकि शी इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। तो ये कहाँ फेयर गेम खेली जा रही है? इट्स ऑन फेवरेटिज्म। मतलब वो दिखने में दिख रहा है कि मतलब इट्स अंडरस्टूड कि आप ये तीन लोगों को दोगे तो साजिद खान के फेवर में ही चीज़ें जाएंगी, एंड आई डोंट नो व्हाई दे डूइंग इट। और बाय डिफॉल्ट जो वो चार लोग बचे हैं, प्रियंका हो, अंकित हो, सौंदर्या हो या अर्चना हो, वो ही टारगेट होंगे, एंड दीज गाइज वॉन्ट देम टू बी आउट ऑफ द हाउस ताकि वो टॉप 8 में अपने ही लोग हों, देन दे विल स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम। बट
दिस इज क्लियर फेवरेटिज्म. मतलब बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता. आई गॉट नो आइडिया. इफ आई गेट अ चांस टू गो इनसाइड आई विल प्ले सोलो अगेन एंड बीट इफ सौंदर्य इज इनसाइड और नॉट आई विल मेक इट वेरी क्लियर एंड आई विल स्क्रू एवरीवन्स हैप्पीनेस बिकॉज मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं सुनी हैं बाहर बिकॉज आई स्टेड इनसाइड 50 दिन. आई नो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एवरी वन क्योंकि मैं 2 बार कैप्टन भी रहा और इट्स गोना बी हार्ड फॉर देम. ट्रस्ट मी अगर मैं अंदर गया तो अभी आप अगर देखेंगे भी कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि गौतम वाइल्ड कार्ड में आएगा. ये बात शिव ने भी 3 बार बोली है, ये अब्दू ने भी बोली है, ये टीना ने भी बोली है वैलिडेशन के ऊपर. जब शालीन उनको बोला कि सौंदर्य मुझसे वैलिडेशन मांग रही थी गौतम का, तो टीना ने बोला तुम क्यों बोल रहे हो ये बात, क्योंकि टीना कहीं ना कहीं जानती है कि गौतम सुन रहा है ये सब चीज़ें और वो वापस आएगा. तो इट्स गोना बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर एवरीवन इन द हाउस बिकॉज मुझे किसी से डर नहीं है, मुझे किसी से शर्म नहीं है. मैं आई एम नॉट इनसाइड टू प्लीज एनीवन. तो इट्स गोना बी हार्ड टाइम फॉर देम. आई थिंक दैट्स निमृत कि वो गेम भी खेल रही है, वो ग्रुप में भी है और उसे लग रहा है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट शी इज़ नॉट, शी इज़ जस्ट लुकिंग. वो सिर्फ ग्रुप है, पहले वो मेरे साथ थी, फिर मेरे सौंदर्य के साथ हुई, फिर वो टीना शालीन के साथ हुई और उसके बाद उन्होंने शिव को पकड़ लिया, जो कि उन्होंने कैमरे पे बोला भी कि मैं शिव के सामने क्यों बुरी बनूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए उन लोगों का. अब वो शिव के ग्रुप में है और आप देखिए वो बचे जा रही है. शी इज जस्ट गोइंग गोइंग गोइंग. उसका यही गेम है कि मुझे उसी ग्रुप में रहना है और आई जस्ट वांट टू बी इन टॉप 5 और व्हाटएवर. तो दैट्स द गेम शी इज प्लेइंग. एक आखिरी सवाल, सौंदर्या के साथ रिलेशनशिप अब भी वैसा ही रहेगा जैसे बिग बॉस के घर में था, वो जानना चाहेंगे क्योंकि इसके पहले भी जब आप बिग बॉस के घर में थे आपकी भी कुछ बातें बाहर आई थी जहाँ आपके रिलेशनशिप के बारे में बातें की जा रही थी कि क्या वाकई सौंदर्या को पता है या नहीं पता है या फिर उनके साथ गेम खेला. सौंदर्या को सब कुछ पता है, मे बी शायद वो ऑन कैमरा नहीं पता होगा बट शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी माय पास्ट. आई नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट हर नाउ एंड बिफोर ऑल्सो. और अंदर वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वी हैड अ वेरी गुड बॉन्ड. आई डोंट नो, आई यूज टू टेल हर ऑलवेज की लेट्स गो आउट एंड लेट्स सी, क्योंकि एक बाहर दुनिया है आपकी एक मेरी है. विल श्योरली विल सिट एंड टॉक अबाउट थिंग्स एंड विल श्योरली कंटिन्यू. तो डिपेंड्स वो कब बाहर आती हैं, कैसी उनको क्या चीज़ें बोली जाती हैं, क्या पोर्ट्रे होती हैं. उसके बाद ऑफकोर्स शी इज़ मिसिंग मी एंड आई एम मिसिंग हर राइट. इट वॉज 50 डेज वी वर टुगेदर और सडनली यू जस्ट कट ऑफ हैं. और उनके पास मैंने देखा वीडियोज़ में शी स्टिल हैव, उनके पास कुछ मेरे कपड़े हैं, मेरा लॉकेट उन्होंने पहना हुआ है, मेरे कप में शी इज़ हैविंग कॉफ़ी एंड स्टफ एंड या. तो लेट्स सी, आई थिंक जब गैप आता है तो चीज़ें और अच्छी होती हैं. तो अब जब वो बाहर आएंगी तो विल श्योरली सिट एंड टॉक एंड डिस्कस थिंग्स अबाउट इट एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर हाउ थिंग्स विल गो. सी मुझे ऑनेस्टली लगता है कि शिव एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है बिकॉज ऑफ हिस एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग प्लस ही हैव 3-4 पीपल हु सपोर्टिंग हिम जो चाहते हैं कि शिव विनर बने, ट्रॉफी उठाएं. तो आपके पास ऐसे लोग होते हैं तो ऑफकोर्स आपको कौन रोक सकता है. अगर टॉप 5 में 3 लोग आपके अपने हैं तो ऑफकोर्स दैट्स द थिंग. बट आई थिंक प्रियंका शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर वो जैसे पहली प्रियंका थी अगर वो वैसे ही खेलेंगी, अगर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगी, अपने मुद्दों पे रहेंगी, सो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अभी अंकित के बिना प्रियंका कैसे दिखेगी, दैट्स द मेन थिंग, क्योंकि हमने में से किसी ने भी नहीं देखा. कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट है अंकित उनका, और जब वो सपोर्ट खींचता है तो बहुत तकलीफ होती है, आपको समझ नहीं आता आप क्या करेंगे, क्योंकि प्रियंका किसी के साथ भी उनकी कॉर्डियल टर्म्स नहीं है घर के अंदर. तो अंकित के अलावा वो मेरे साथ कई बातें शेयर करती थी, बहुत चीज़ें मेरे वी हैड अ गुड बॉन्ड. बट उन्होंने लास्ट में जो नॉमिनेशन में मेरे साथ किया आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम प्रियंका, बट वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है. तो लेट्स सी कि अंकित के बिना वो क्या करेंगी और उसके बाद उनकी गेम दिखेगी. बट अभी तक आई थिंक इट्स शिव क्योंकि ही इज़ प्लेइंग अ गुड गेम. अभी भी मैंने देखा रिसेंटली कैप्टनसी के टास्क में उन्होंने अपना महामंत्री अर्चना को बनाया, दैट्स कॉल्ड अ स्मार्ट गेम.
कि जो पता आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ देगा इंसान, आप उसी को अपने पास रख लो एंड एवरीथिंग विल गो इन हिज फेवर आफ्टर. या सो या लेट्स सी. Well, lastly, any message to the all the fans who were supporting Gautam Budh? I'm just gonna say, yeah, guys, thank you very much. I'm very overwhelmed with the responses I'm getting. I'm still getting a lot of messages, a lot of likes from the people. आपने बहुत प्यार दिया मुझे जब मैं अंदर था, और बाहर आके भी मुझे बहुत मिल रहा है. एंड आई नो इट्स ट्रेंडिंग एवरी टाइम, गौतम वी वॉन्ट यू बैक. एंड आई जस्ट वॉन्ट यू कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग. एंड इफ आई गो बैक श्योरली आई वॉन्ट लेट यू गाइज डाउन. एंड अभी तक आप मुझे समझ ही गए होंगे. एंड द गेम विल बी ऑन इफ आई गो इनसाइड एंड विल किल इट टुगेदर. या थैंक यू.